दोस्तों नाइट में तुर्किस्तान का ये कारावान इटली की वीनस सिटी से कम नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबके दिन बहुत बढ़िया बढ़िया जा रहे होंगे। तो आपने देखा था, दारशा ने मुझे यहाँ होस्ट किया था चर्च में शिमकन सिटी के। तो आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ तुर्किस्तान। तो दारशा से मुलाकात नहीं हो पाई, उसको कुछ काम था। तो दारशा की मदर आई थी मुझसे मिलने के लिए। तो दारशा की मदर हैं, बाबा है। और दारशा ने इन भाई को मेरे साथ भेज दिया कि आप इनको एक वे में ड्रॉप कर दो, ये शायद बस से मुझे लेके जाएंगे या बस स्टॉप तक लेके जाएंगे और मुझे एक जगह छोड़ देंगे। वहाँ से हम शेयरिंग टैक्सी लेंगे और चले जाएंगे तुर्किस्तान। और ये पूरी प्रॉपर्टी जो है वो चर्च की है। और इस वाली बिल्डिंग में सामने ये विंडो दिख रही है, इसमें मैं रुका हुआ था। बहुत बड़ा चर्च है यार ये। तो चर्च से बाहर निकल चुका हूँ, ये चर्च था जहाँ मुझे दारशा ने होस्ट किया था। और अब जा रहे हैं हम बस स्टैंड की तरफ, जहाँ से एक लोकेशन तक पहुंचना है और वहां से तुर्किस्तान की शेयरिंग टैक्सी। और कैनेट मेरे साथ जा रहे हैं, इनको कुछ काम है, ये वहां चले जाएंगे और मैं बस स्टॉप से चले जाऊंगा तुर्किस्तान की तरफ। तो वीडियो में बने रहें, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं समल बाज़ार और यहाँ से चलती हैं टैक्सी तुर्किस्तान। तो कहनत भाई गए हैं प्राइस पता करना है, क्योंकि ये मुझसे बहुत पैसे मांग लेंगे। तो देखते हैं कितना प्राइस लगता है कम से कम हमें। तो ये लिखा है SAMAL समल बाज़ार। तो ये पूरा यार्ड है बस स्टैंड की तरह। तो आपको यहीं आना है, यहीं से तुर्किस्तान की शेयरिंग टैक्सीज चलती हैं। तो वो कहनत भाई खड़े हैं, उन्होंने प्राइस पता कर लिया है। तो देखते हैं कितना प्राइस देना पड़ेगा हमें तुर्किस्तान के लिए। How much he said? 1.5. Huh? 1.5 thousand. Remember I told you 2 and yeah, then yeah. Now 1.5. Oh, thanks, Canada. I didn't know for sure, but I was not sure, and now but sure. Not sure, 1,500 only. Give him now and so that no question okay. Later on. Okay. Yeah. Is it working? Yeah, we're working. Okay. Now you're going to pay 1,500 for Turkistan. तो ये 1,000 का नोट है और ये 500 का नोट है, तो 1,500 रुपए में हम पहुंच रहे हैं तुर्किस्तान। ये आवाज साउंड्स ये वो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, होप टू सी यू सून अगेन एंड समवेयर इन वर्ल्ड और इन इंडिया। या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये सामने लिखा है समल, तो आपको इसी के अंदर आना है। किसी लोकल की मदद से आएंगे तो सस्ता रेट पड़ेगा, वरना 2,000 टेंगे से 2,500 टेंगे यहाँ पर मांग सकते हैं आपसे। तो दोस्तों तुर्किस्तान पहुँच चुका हूँ, बहुत ही सुंदर बना हुआ है यार, देखिए। ये है रिक्सोस तुर्किस्तान, आई डोंट नो ये क्या है। तो मेरी होस्ट लजेट ने यहाँ होस्ट किया है मुझे इस हॉस्टल में। जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है कारवान, उससे 3.5-4 किलोमीटर दूर है बस ये, और ये मेन रोड पे ही है बिल्कुल। तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आज पहले नाइट में कारवान को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छी प्रॉपर्टी बनी हुई है देखिए हॉस्टल की। तो
देखो इस हॉस्टल में एक तंदूर भी है और इस तंदूर में डलेगा ये चिकन. सो यू आर मेकिंग चिकन नाउ? या इन तंदूर. सो हाउ मैनी चिकन यू पुट इन साइड इन अ वन टाइम? दिस तंदूर अबाउट 50. Yeah. Okay. 50. And now I'm doing 3. 3, okay. Yeah, they are booked. Okay. So this one's. So agar aap non vegetarian hain to aap yahan par aakar fish aur chicken. You have only two things, chicken and fish, right? So chicken aur fish ka aanand utha sakte hain is tandoor mein. You are making some breads also in this? No. Only non-veg, chicken just, and just fish. Chicken and fish right now. Okay. But I want to make a bread. Okay. In the nearest future. Nice. तो भाई साहब यहाँ का तंदूर इतना बड़ा है ये कि एक बार में 50 चिकन आ जाते हैं इसके अंदर. और देखिए ये किस तरीके से चिकन ऐसे इन्होंने लगा दिया इसके अंदर और इसको उसमें हैंग कर देंगे. Now you are going to hang it? No. So? Tandoor is not prepared or the fire should stop. Okay. We have about 15 minutes. 15 minutes, okay. Yeah, at that time oil is... Okay, okay, I understand. Yeah. तो थोड़ी सी ये आँच धीमी हो जाएगी, फिर ये उसमें लगा देंगे. Yeah. और गाइस ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है. So that fruit is free for tourists, travelers or not? Yes, yes. But you came here too early because it's not ready. Okay. Okay, here some flowers and there's potatoes. Yeah, yeah. You can see the. तो इन्होंने यहाँ खेती भी की हुई है. Potatoes, tomatoes also. Potatoes, tomatoes. Okay. It's very hot. It's very hard to grow, yeah, vegetables here. The ground is sandy. Okay. तो कह रहे धरती पोटैटो वगैरह टमाटो वगैरह के लिए ठीक नहीं है. कुछ सब्जियां यहाँ नहीं उग पाती हैं. या दिस वन ऑनियन. तो इन्होंने यहाँ पे ऑनियन की खेती भी की हुई है. You like to see fish? Apricot? No, it's apple. Oh really? लो जी सेब के पेड़ भी हैं यहाँ पे. एप्पल, ग्रीन एप्पल. Yes. And there is a plum, tomato. Tomato. Here's a plum. Okay. Cherry. This one cherry? Yeah. Okay. It's we already eaten it. here's the apricot. Can you see? Okay. This is apricot. Yeah. Grapes, you know? Yeah, grapes. But there is no grapes now. Yeah, no. You can see, but there are very little. Okay, let's see. Let's see. Here. Okay. लो जी यहाँ अंगूर भी लगे हुए हैं. तो इस हॉस्टल में आके आप फ्रूट्स खा सकते हैं. Free of cost. Free of cost? Free. Free of cost. Okay. Travelers can make their own food here or not? Yeah. They can? Did you see the kitchen? So, दोस्तों ये है night view. Turkistan में जो tourist place है Karavan, उसमें दोबारा आ चुका हूँ मैं. पहले दोपहर में आया था. सबने बोला night view अच्छा है, night में आना. अब night में पहुँच गया हूँ मैं. देखिए musical fountain show चल रहा है यहाँ पर. Amazing.
नाइट में यहाँ चलती हैं ये बोट इस तुर्किस्तान के कारावन में, और पूरा राउंड लगाती हैं अंदर अंदर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देखने लायक है। अभी जो बोट चली गई हैं आगे उनको देखते हैं। और टिकट की बात करूँ तो इसकी टिकट है 4000 टेंगे, और 4000 कजाकिस्तान टेंगे को कैलकुलेट कर लेना INR में, पर पर्सन 4000 टेंगे हैं। और ये राउंड कैसे लगाती है वो दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कजाकिस्तान में आ रहे हो, शिमकंड सिटी आ रहे हो, तो शिमकंड से 180 से 200 किलोमीटर है तुर्किस्तान, तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तुर्किस्तान कोई कंट्री नहीं, तुर्किस्तान सिटी है कजाकिस्तान की। यहाँ अंदर बोटिंग होती है, देखिए सामने बोट आ रही है। दोस्तों नाइट में तुर्किस्तान का ये कारावान इटली की वीनस सिटी से कम नहीं है। जब भी आओ फिर दोबारा बोलूँगा यहाँ ज़रूर विज़िट करना। फैमिली के साथ आओगे, बच्चों के साथ आओगे, या अलोन आ रहे हो, कैसे भी आ जाओ बहुत अच्छा लगेगा ये प्लेस। बर्गर शॉप, कॉफ़ी शॉप्स, सब कुछ है यहाँ पर, बहुत कुछ है देखने के लिए। मतलब बहुत लंबी चौड़ी जगह में ये चीज़ बनी हुई है। बोटिंग फाउंटेन के अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और सच में अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको लगी या नहीं लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। और यहाँ तक कैसे पहुँचना है, कैसे आना है शिमकंड से, बजट में वो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो भाई के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मेरी लेटेस्ट जर्नी के बारे में इंस्टाग्राम पर मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन next vlog.